Good morning everyone. My name is Rahul Shukla. I'm a financial coach and an IAP trainer. So basically, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिबिल स्कोर, पर्सन टू पर्सन जो कि डिफरेंट हो सकते हैं. पहले ये समझते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है. सिबिल स्कोर का बेसिक मतलब होता है आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी कितनी है, आपको लोन मिलना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा. अब इसमें कई डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं. जैसे सबसे पहला होता है, कुछ लोगों का सिबिल स्कोर जीरो है. जीरो मतलब इन लोगों ने कभी लोन लिया ही नहीं, ना तो किसी तरह का कोई कंज्यूमर लोन लिया, ना ही किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड लिया, कुछ भी होल्ड नहीं करते हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली उन्होंने. उनका सिबिल स्कोर आमतौर पर जीरो होता है. दूसरा क्रेडिट स्कोर होता है -1. -1 क्रेडिट स्कोर उन लोगों का होता है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी यूज नहीं किया, तो उनका क्रेडिट स्कोर कितना आएगा? -1. आप कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने क्रेडिट कार्ड लिया, एक बार यूज किया, उसका रीपेमेंट कर दिया, उसके बाद उसको उठा के रख दिया, दोबारा कभी यूज नहीं किया, उसका क्रेडिट स्कोर आएगा 1, राइट? अब ये तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई जो आम तौर पे लोगों के साथ हो जाती है. जो लोग एक बार या कभी जिन्होंने लोन नहीं लिया उनका क्रेडिट स्कोर ये होगा. मान लीजिए आपने लोन भी लिया है, उसकी कुछ EMI बाउंस भी हुई है, या आपने बिल्कुल टाइम से पेमेंट आगे कर दिया. अगर आपने कोई लोन लिया और उसको बिल्कुल टाइम से पे ऑफ किया तो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा आता है. और उससे दो बड़े फायदे होते हैं. पहला, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है किसी भी लोन के लिए. दूसरा, जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं तो उसमें हो सकता है या कई बार ऐसा होता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी फर्क उससे पड़ता है. तो अगली बार जब भी आप कोई लोन लेने जाएं, सो प्लीज मेक श्योर आप अपना क्रेडिट स्कोर आइडेंटिफाई कर लें कि वो कितना है. एक स्टैंडर्ड क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए. 0, -1, 1 के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं. अब मैं बात कर रहा हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने कभी पहले या तो लोन लिया है, उसका रीपेमेंट किया है, या हो सकता है 1-2 EMI बाउंस हो गई हो, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं सर कि लोन किसी भी वजह से अगर रीपे नहीं कर पाए तो वो सोचते हैं कि सर क्यों ना इसको हम ऐसा करें कि इसको सेटल कर दें. सेटल मतलब 60% पे टोटल अमाउंट, 50% पे सेटल कर दें. सेटलमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए आपको लोन का, अदरवाइज आपके जो सिबिल स्कोर है वो परमानेंटली डाउन चला जाएगा, राइट? और फिर वो तब तक आप जब कभी दूसरा लोन लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको वहां से लोन ना मिले या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोन ले. बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि लोन आपको ना मिले क्योंकि वो पहले आपको पुराने लोन को पे ऑफ करने के लिए कहेगा, देन आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्पैक्ट करेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिबिल स्कोर कम होता कैसे है? पहला कारण तो मैंने डिस्कस कर लिया कि सर आपने लोन रीपे नहीं किया, टाइम से रीपे नहीं किया, कोई EMI बाउंस हो गई तो भी ऐसा होता है. अच्छा, ये तो हमें एक चीज़ पता है कि सर EMI बाउंस हो गई तो मुझे पता है मैंने पे नहीं की इसलिए जो सिबिल स्कोर है वो कम हो गया. कई बार अनजाने में सिबिल स्कोर कम हो जाता है. जैसे मान लीजिए कोई EMI आई है, फॉर एग्जाम्पल 100 rupees की EMI है, उस पर आपने EMI को लेट कर दिया, ड्यू डेट पे नहीं किया, 6 दिन बाद पे किया, तो उस पर जो लेट फीस है वो भी लगेगी. फॉर एग्जाम्पल 20 rupees उस पर लेट फीस लग गई है, तो आपको टोटल कितनी EMI पे करनी है? 120 rupees. लेकिन आपने 100 rupees पे किए, वो लेट फीस पे नहीं की, उसकी वजह से भी, और कोई पेनल्टी अगर अराइज हुई तो उसकी वजह से भी, उसको ना पे करने पर भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्पैक्ट होता है. तो फिर ये सही कैसे होगा? ये सिबिल स्कोर सही होता है क्वार्टरली. मान लीजिए आपने कोई लोन रीपे टाइम से नहीं किया लेकिन उसको आपने बाद में पूरे लोन को सेट ऑफ कर दिया, पूरा लोन आपने पे ऑफ कर दिया आसानी से, और उसके लिए आप फॉरक्लोजर करवाइए उस लोन का. आपको NOC लेना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई आपने लोन रीपे करने कर दिया उसके बावजूद भी आपने अगर NOC नहीं ली तो वो लोन एक्टिव बना रहता है और आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता रहता है. तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें. थैंक यू.